आपने इनेबलर्स का कोर्स किया, आपने अमेज़न को ज्वाइन किया और आपने अपनी प्रोडक्ट भी लॉन्च की, तो ये स्टोरी कैसे चली और आज क्योंकि आपका अच्छा खासा रेवेन्यू भी है तो इस मुकाम तक आप कैसे पहुँचे? मेरी जो एजुकेशन है वो एमफिल है इन फिज़िकल थेरेपी। मुझे ये लगता था कि मैं अगर घर से बाहर 9 to 5 की कोई भी जॉब करूँगी तो मैं अपने बच्चों को उस तरह से टाइम नहीं दे पाऊँगी। जनवरी 2020 में मैंने इनेबलर्स का बैच 10 जो था वो ज्वाइन किया था, बूट कैम्प, प्राइवेट लेबल बूट कैम्प का। तो बस वो उसी तरह से फिर मैंने लर्न करना शुरू किया और फिर प्रोडक्ट्स जो थी वो हंट करना शुरू की। सितंबर में मैंने अपनी प्रोडक्ट जो थी वो लॉन्च की और वो लॉन्च करने के बाद जो थी वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रिस्पांस मिला और इसका क्रेडिट जो है वो बेसिकली सर खुरम को, इनेबलर्स को और सर साकिब को ही जाता है। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मैं शुएब इमाम एक नए इंटरव्यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, हमारे माशरे में अक्सर ये समझा जाता है कि ख्वातीन अपना कारोबार नहीं कर सकती और ये भी समझा जाता है कि ख्वातीन के अंदर फैसला करने की वो सलाहियत नहीं होती जो कि मर्दों के अंदर होती है। मगर आज हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जिन्होंने ना सिर्फ एक हाउसवाइफ की हैसियत से अपना कारोबार शुरू किया बल्कि उस पर 30 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट भी की और आज वो उससे दुगना कमा रही हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं फायजा इरफान से, जो कि अमेज़ॉन सेलर हैं और पिछले कई माह से अमेज़ॉन पर एज ए सेलर काम कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मैम, आपकी स्टोरी में, आपकी इस अमेज़ॉन की जर्नी में बेशुमार ऐसे फैक्टर हैं जिनको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा अपने नाज़रीन के लिए ताकि उनको मोटिवेशन मिले आपकी कहानी से। आपकी शादी को इस वक्त 11 साल हो चुके हैं और इन 11 सालों में आपने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की जिसमें ई कॉमर्स का नॉलेज इन्वॉल्व हो या कंप्यूटर के हवाले से कोई काम इन्वॉल्व हो, लेकिन फिर भी आपने इनेबलर्स का कोर्स किया, आपने अमेज़ॉन को ज्वाइन किया और आपने अपनी प्रोडक्ट भी लॉन्च की। और इन 11 सालों में मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा था तो एक बिल्कुल एक डिफरेंट फील्ड की तरफ आना, और आपकी तो जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो भी हेल्थ साइंसिस के हवाले से है, तो एक डिफरेंट फील्ड को ऑप्ट करना और उसमें अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना और उसके साथ साथ 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट भी करना, इतना सारा रिस्क भी लिया आपने, लेकिन माशाल्लाह से आप कामयाब हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू भी है आपका, तो ये स्टोरी कैसे चली और आज क्योंकि आपका अच्छा खासा रेवेन्यू भी है तो इस मुकाम तक आप कैसे पहुँची? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मतलब ऐसे है कि मेरी जो एजुकेशन है वो एमफिल है इन फिज़िकल थेरेपी। तो लेकिन आपको पता है कि आफ्टर मैरिज जो मतलब गर्ल्स होती हैं उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो अपनी कोई भी जो प्रोफेशनल फील्ड है उसको लेकर चलें, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो पड़ जाती हैं, उनके बच्चों की, उनकी फैमिली की। तो वो एक्चुअली मुझे ये लगता था कि मैं अगर घर से बाहर 9 to 5 की कोई भी जॉब करूँगी तो मैं अपने बच्चों को उस तरह से टाइम नहीं दे पाऊँगी। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि फ़ीमेल्स की जो फ़र्स्ट प्रायोरिटी है अगर वो मदर हैं तो मतलब कोई भी मदर हैं या फिर घर में किसी भी तरह वाइफ हैं या मतलब कोई भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जो घर है वो उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपने एजुकेशन भी ली हो साथ में तो फिर आपके अंदर एक वो चीज़ चलती रहती है फ्रस्ट्रेशन सी कि आप कुछ कर नहीं रहे, आप बेकार बैठे हैं, आप सिर्फ घर में जो है वो बच्चे पाल रहे हैं या घर के काम कर रहे हैं। तो वो एक चीज़ जो थी वो मेरे साथ साथ जो थी वो चलती रही। तो ई कॉमर्स की तरफ आने का बस ये था कि मैंने इनेबलर्स के बारे में जो था वो कुछ पढ़ा था, इनेबलर्स के बारे में एक इनकी एक वर्कशॉप हो रही थी तो मेरी सिस्टर जो है उन्होंने वो वर्कशॉप अटेंड की और उन्होंने आके मुझे बड़ी डिटेल में उसके बारे में बताया। तो वहीं पर बैठ के बस वो मतलब मैं बहुत अरसे से कुछ करना चाह रही थी, कोई भी ऐसा काम कि जो मैं घर में रह के कर सकूं, कि जिसकी वजह से मुझे अपनी घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको ना छोड़ना पड़े, घर से बाहर ना बहुत देर तक रहना पड़े। तो मुझे ये बहुत एक आइडियल सिचुएशन लगी कि मैं घर पर रह के अपना बिज़नेस जो है वो कर सकती हूँ। और फिर उसके बाद सबसे बेसिकली अमेज़ॉन पे काम करने का जो ज़्यादा इशू लोगों को होता है वो ये होता है कि अकाउंट क्रिएशन जो होती है दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग। तो वो ये था कि मेरे जो भाई हैं वो US सिटीज़न हैं तो फिर वो भी एक इशू नहीं था। और फिर सबसे बढ़कर मुझे अपने घर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, मेरे हस्बैंड जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, मेरे इन लॉज, मेरे जो अपने मतलब घर वाले हैं, मेरे अब्बू और मेरे मतलब सब लोग, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने इनक्रेज किया कि हाँ आपको ये करना चाहिए। तो बस फिर ये कितने सारे फैक्टर्स थे और फिर सबसे बढ़कर इनेबलर्स को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस जर्नी को इतना आसान कर दिया कि मुझ जैसी बंदी जिसके पास कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं था,
ई कॉमर्स से रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग या मतलब किसी भी तरह का, तो वो भी ये सब कुछ करने में कामयाब हो गई। तो इसलिए ये क्रेडिट सिर्फ एक, मैं ये नहीं कह सकती कि किसी एक बंदे को जाता है, ये इनेबलर्स को भी जाता है, ये मेरे घर वालों को भी जाता है, मेरे हस्बैंड को, मेरी बहन को, मेरे मतलब इन लॉज को, मतलब सबको जाता है ये क्रेडिट। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आमतौर पे ख्वातीन पे इतना ट्रस्ट नहीं किया जाता और ये कहा जाता है जी ख्वातीन बिजनेस नहीं कर सकती, इनको जो है वो बड़े बड़े मामलात नहीं देने चाहिए, इनमें मतलब कि वो फैसला साजी की जो है वो अहलियत नहीं होती। तो आप क्या समझती हैं कि मतलब ये जो चीज़ें हैं ये, तो मतलब आपकी स्टोरी को सुन के, आपके जो जितने इनिशिएटिव्स हैं उनको देख के, तो ये सारी चीज़ें जो है वो फेल लगती हैं, मतलब कैसे लगता है ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल गलत हैं। तो आपको इतना कॉन्फिडेंस किसने दिया कि आपने 30 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट भी की और आपने यूएसए मार्केट को चुना जो कि बहुत महंगी समझी जाती है? बस वो फिर यही बात है ना कि अगर आपके घर के जो मेल मेंबर्स हैं, आपके भाई हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके फादर हैं, ब्रदर हैं, जो भी हैं, मतलब वो अगर आप पे ट्रस्ट करते हैं और वो ट्रस्ट जो है वही आपको कॉन्फिडेंस देता है बेसिकली। तो मैं यही सबको कहना चाहूँगी, जितने भी अगर मेल्स जो हैं वो देख रहे हैं, वो ये मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि अपनी जो घर की फ़ीमेल्स हैं उन पर ट्रस्ट करें, दे कैन डू एवरीथिंग। ठीक है, फीमेल जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ घर में जो है वो सिर्फ खाना बना सकती हैं या फिर वो अपने बच्चों को देख सकती हैं या घर के काम कर सकती हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर फीमेल्स के बारे में कोई भी अगर प्रोफेशन लोग चूज़ करते हैं तो वो कहते हैं कि ये टीचिंग कर सकती हैं, या फिर अगर कोई बहुत लाइक फाइक है तो जी ये डॉक्टर बन सकती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि फ़ीमेल्स कर सकती हैं और जो बिज़नेस है मेरा ख्याल है कि वो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे मैनेजर होती हैं। अगर वो अपने घर को मैनेज कर रही हैं, घर का बजट मैनेज कर रही हैं, तो वो मतलब एक बिज़नेस को कैसे मैनेज नहीं कर सकती? बिल्कुल ठीक। अभी 1 साल से भी कम का अरसा हुआ है और आपने ये तमाम तरह स्किल्स सीखी हैं, मैं चाहूँगा कि आपकी जो जर्नी रही है इनेबलर्स को ज्वाइन करने से लेकर अब तक, वो अगर आप स्टेप वाइज हमें बता दें कि कैसे आपने शुरू किया, क्या क्या सीखा, उसके बाद फिर आपने किस तरह अपने प्रोडक्ट लॉन्च की, उसके बाद किस तरह रेवेन्यू जनरेट हुआ, मुश्किलात क्या क्या आई उसके दौरान? मैंने जनवरी 2020 में मैंने इनेबलर्स का बैच 10 था वो ज्वाइन किया था, बूट कैंप, प्राइवेट लेबल बूट कैंप का। तो बस जब मैंने वो स्टार्ट किया तो ये मैं बताना चाहूँगी कि वेरी फर्स्ट डे जब मैं गई हूँ तो वहाँ मैं बहुत ज़्यादा एकदम से परेशान होगी, क्योंकि कि वहाँ पर आई वॉज द ओनली फीमेल। ठीक है, वहाँ पर सब के सब जो थे वो मेल्स थे और वो 50+ की कोई क्लास थी जिसमें मैं सिर्फ एक अकेली जो थी वो फीमेल थी। तो उससे मुझे थोड़ा सा और डाउट हो गया कि पता नहीं शायद ये जो अमेज़ॉन का बिज़नेस है ये शायद सिर्फ मेल ही कर सकते हैं। लेकिन खैर, वहाँ पर जो मेरे ट्रेनर थे वो सर खुर्रम खालिद, उनका मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि वो उन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमें मतलब थ्रू आउट हमें लेकर चले हैं और उन्होंने बहुत इनक्रेज किया, मतलब हर एक स्टेप के ऊपर उन्होंने मेरी हेल्प की, मुझे गाइड किया। तो बेसिकली इतना बड़ा जो इन्वेस्टमेंट करने का एक बहुत बड़ा जो एक रीज़न थी वो ये थी कि मुझे पता था कि इनेबलर्स जो हैं वो मेरे साथ हैं। ठीक है, कि अगर मुझे कहीं पर भी कोई डिफ़िकल्टी होगी तो मेरी बैक पर कोई सपोर्ट है एक। तो बेसिकली फिर वो इसी तरह से बस मैंने वो स्टार्ट किया है और वो उनको लर्न करना शुरू किया है उन स्किल्स को। तो वो स्किल्स मतलब कोई भी इतनी मुश्किल नहीं है कि मतलब कोई भी ऐसा बंदा या बंदी जिसने पहले मतलब ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई मतलब उसके पास नॉलेज ना हो वो नहीं कर सकता। ठीक है, वो कर सकता है, बिल्कुल सीख सकते हैं आप लोग, कर सकते हैं। तो बस वो उसी तरह से फिर मैंने लर्न करना शुरू किया और फिर प्रोडक्ट्स जो थी वो हंट करना शुरू की। तो प्रोडक्ट हंट करने के बाद जब मैं, तब भी मैं थोड़ी सी डाउटफुल थी कि मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन जब मैं फ़र्स्ट डे लेकर गई हूँ सर खुर्रम के पास अपनी प्रोडक्ट्स, तो मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा इनक्रेज किया कि आप मतलब बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं और आप करें। खैर, फिर वो हमने उसको फिर सोर्सिंग और वो सब फेजिस से गुजरने के बाद सितंबर में मैंने अपनी प्रोडक्ट जो थी वो लॉन्च की, और वो लॉन्च करने के बाद जो थी वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि मतलब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि शायद मैं इतना अच्छा जो है वो मतलब रिस्पांस मिलेगा मुझे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है वो बहुत अच्छा जा रहा है। ज़बरदस्त। और इसका क्रेडिट जो है वो बेसिकली सर खुर्रम को, इनेबलर्स को और सर साकिब को ही जाता है। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आमतौर पर जब भी हम बात करते हैं तो ख़वातीन ये कहती हैं, जो हाउस वाइफ हैं वो कहती हैं जी हमारे तो बच्चे हैं, हमने घर संभालना है तो हम टाइम नहीं दे सकते। तो आपने जनवरी से लेकर अब तक अगर हम देखें तो शुरुआत में कितना टाइम लेती थी और अब कितना टाइम लेती हैं आप? एक्चुअली टाइम का ये होता है कि टाइम तो आपको मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट के साथ आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी फीमेल्स आप देखते होंगे कि वो घर से बाहर जाकर इतना टाइम लगाकर जॉब्स करती हैं, तो घर में रहकर टाइम मैनेज करना जो है वो ज़्यादा आसान होता है।
ठीक है, तो अब ये था कि जो बिज़नेस है अमेज़ॉन का या ई कॉमर्स का, उसमें जो स्टार्ट है, उसमें जब आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं तो, या उससे पहले जब आप प्रोडक्ट की वो सब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, हंट कर रहे हैं, सोर्सिंग कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। मतलब आप कह लें कि 4 to 5 hours a day इनफ है, लेकिन अब जब आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हो जाती है और उसके बाद तो ये सब ऑटो पे चलता है, तो उस वक़्त फिर आपको मतलब हाफ एन आवर इज इनफ। तो अब तो मुझे मतलब इतना भी अगर टाइम ना दूँ तो वो मेरे लिए काफ़ी है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगर हम कंपैरिजन करें यूएसए मार्केट और यूके मार्केट में, तो कहा जाता है कि यूके मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपकी कम लगती है, तो आपने यूएसए को क्यों चुना? यूएसए को चुनने का एक बेसिक तो ये था कि मेरा जो भाई था वो यूएस में होता है, यूएस सिटीजन है, तो उसने बस वो मैंने जो अपना अकाउंट था वो यूएस मार्केट का बनाया। बाद में काफ़ी दफ़ा सोचा भी कि यूके की तरफ जो है वो स्विच कर जाऊँ, लेकिन फिर मुझे ये था कि अगर वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वहाँ पर रेवेन्यू भी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली फिर आपने जब एक दफ़ा रिस्क लेना है तो फिर बड़ा रिस्क लें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस वक्त आपका जो महाना रेवेन्यू है, हम प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, हम रेवेन्यू की बात करें, वो कितना है इस वक्त महाना? महाना आप कह सकते हैं कि मोर देन 10,000 है, क्योंकि सितंबर से मैंने प्रोडक्ट लॉन्च की थी और अब तक जो है वो ऑलमोस्ट 38,000 USD जो है वो जेनरेट हो चुका ओवरऑल। ओवरऑल ठीक है। अगर हम महाना बात करें तो उसमें से प्रॉफिट कितना आता है? प्रॉफिट जो है वो मेरा 28% प्रॉफिट है। 28% बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा मैम, अगर हम ख़वातीन की बात करें तो जिसका बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, तो उसे कितना अरसा लग सकता है ये तमाम तरह चीज़ें सीखने में? ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं जी फलां तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, ठीक है, उसका बैकग्राउंड था या उसको सपोर्ट थी या उसके पास टाइम था, तो अगर एक आम बंदा, ठीक है, जिसके पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं या वो इस तरह से अटैच नहीं रहा ई कॉमर्स किसी फील्ड के साथ, तो उसे कितना अरसा लग सकता है ये तमाम तरह चीज़ें सीखने में? कितना अरसा लग सकता है, मतलब ये तो इंडिविजुअल की अपनी कैपेबिलिटीज़ पे भी डिपेंड करता है, लेकिन आप देखते हैं कि आजकल जो मतलब तकरीबन हर बंदे को मतलब इंटरनेट से रिलेटेड और मतलब सोशल मीडिया और ये सब चीज़ें यूज़ करना अब तो एक मतलब एक आम सी बात है। मतलब एक हाउसवाइफ है या कोई भी एक आम बंदी घर में बैठा हुआ कोई बंदा है, वो भी कर रहा है यूज़। बिल्कुल ठीक, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी का यूज़ तो सबको आता है, ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि आपका कोई बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, कोई एजुकेशन होनी चाहिए। आप 1 to 2 months, 3 months, मतलब आप अपनी स्किल पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी लर्न करते हैं, तो आप सीख सकते हैं उसमें, वो कोई इतना मतलब बड़ी बात। अच्छा, जो प्रोडक्ट आपने लॉन्च की है तो वो कौन सी इंडस्ट्री से रिलेटेड है? ये होम से रिलेटेड है बेसिकली। ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि साकिब अजहर साहब ने ये तमाम तर जो कारवां है ये शुरू किया, तो आप उन्हें क्या क्रेडिट देना चाहेंगे और आपने क्या उनसे सीखा जब आप उनसे सीख रहे थे इनेबलर्स के कोर्स में? बेसिकली सारा जो क्रेडिट है वो उनको ही जाता है कि वो उन्होंने ये इतना बड़ा एक इनिशिएटिव लिया कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको इनेबल करने के लिए। कि मतलब अगर मैं ये सोचूं कि कुछ साल पहले तक अगर मैं ये सोचती कि मैं यूएस मार्केट में अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हूँ, अपना एक ब्रांड लॉन्च कर रही हूँ, तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो ये सारा का सारा क्रेडिट ऑब्वियसली सर साकिब को ही जाता है कि उनका जो एक सबसे एक अच्छी बात मुझे ये लगती है कि वो कहते हैं कि नेवर गिव अप। तो ऑब्वियसली जब भी आप ये कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मतलब मसाइल ऐसे आते हैं कि आपको दिल कर रहा होता है कि बस छोड़ दें अपना, तो कोई डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, तो उनकी ये बात हमेशा मेरे जहन में आ जाती थी कि नेवर गिव अप। तो ऑब्वियसली मेरे जर्नी में भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि सोर्सिंग करते हुए, उसके बाद जब लॉन्च की इवन, उसके बाद मैं थोड़े अरसे के लिए आउट ऑफ स्टॉक हो गई, और भी काफ़ी इश्यूज मतलब जो थे वो चलते रहे, लेकिन जो नेवर गिव अप की एक बात है ना वो हमेशा दिमाग में रही, और उनका उसका क्रेडिट जो है वो सर साकिब को ही जाता है। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपकी तशरीफ़ आपने का आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन ख़ासतौर पर ख़वातीन जो ये सोचती हैं कि वो इस फील्ड में नहीं आना चाहती, आज उनका ये मिथ टूट चुका होगा। इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।